Start with the great name of Almighty Allah, who is most gracious and most merciful, whose boundaries are abounded, whose blessings are uncountable, whose mercy is unlimited, who is absolute ruler and the ruler of the entire universe, who is the King of Kings. My respectable teacher, brothers and sisters, Assalamu Alaikum. A student of 9th class, and today my presentation's topic is Niels Bohr Atomic Model. The rudder for the first atomic model is a quick compatible, but when they explaining the structure of an atom, it was a very inappropriate theoretically, but why are we saying so? रदरफोर्ड का जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो काबिले तारीफ है, लेकिन उसने बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो उसने नहीं बताई एटम्स के अंदर मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता. As we know that every charged object which revolving around the circular path gains accelerations. Similarly, if the electrons are moving the fast in the orbits, they also gain acceleration. जैसे कि हमें पता है जब भी कोई charged object अपने circular path में से घूमता है तो वो acceleration gain करता है. वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के मतलब अपने ऑर्बिट्स में मतलब घूमता है तो वो एनर्जी यही इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिट्स के पे घूमता है तो उस पे एक्सेलरेशन गेन होती है. जब एक्सेलरेशन गेन्स होती है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है. जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी लगातार करता है तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है. तो बिल्कुल वैसे ही अगर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता है पर इसलिए एटम अनस्टेबल हो जाता है. पर हमारे नेचर में तो एटम स्टेबल है. इसका मतलब यह है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी थी, हाइपोथेसिस था उसका, वो गलत है? नहीं, उसको सिर्फ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. इसलिए हमारे लिस्ट में जो एक विजनरी साइंटिस्ट नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने अपने एक बहुत सारे पोस्टर्स दिए हैं, हम उनके तहत आपको बताएंगे कि एटम स्टेबल है. पहले उसने बताया कि एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स को अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं. ये इसके फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं के पास फिक्स. और जैसे कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूमता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के, मतलब के जब हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स नेगेटिव चार्ज घूमता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में. और दूसरी हमारी पॉइंट ये है कि जो ये शेल्स हैं इनके जो शेल्स हैं ऑर्बिट्स वो एक मखसूस एनर्जी उनकी होती है जिन्हें हम अल्फ़ाबेटिकली के एल एम और एन कहते हैं. और तीसरी पॉइंट ये है कि और ये रिप्रेजेंटेड नंबर वाइज भी इंटीजर्स वाइज भी करता है, जैसे कि हम इसको डिनोटेड एन से करते हैं कि एन वन एन टू एन थ्री एंड एंड फोर, मीन्स जो एंड न्यूक्लियस की साइड से, मीन्स ये के एल एम एन ये के शेल न्यूक्लियस के पास में है तो उसका एक लोवेस्ट एनर्जी होगी और लोवेस्ट एनर्जी देन के से और के एल से और केल की लोवेस्ट एनर्जी होगी देन एम से और एम की लोवेस्ट एनर्जी होगी देन एन से. तो इसलिए हम ऐसे पुट करेंगे इनको वन टू थ्री फोर. अगर हम n नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये इंटीजर्स से हम इनको शो कर रहे हैं. शेल्स जितने भी न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतने ही उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे कि क्या इनकी लोवेस्ट एनर्जी मतलब लेस एनर्जी है देन एल के शेल से और तीसरी m से और इसके बाद n से, मतलब k की सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी है. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में है. जब जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. अकॉर्डिंग टू नील बोहर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द शेल्स और ऑर्बिट्स, दे आर नॉट एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब. मीन्स मतलब नील बोहर ने कहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट्स में
तो ये एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा और ना इमिट आउट करेगा। और चौथी पॉइंट हमारी ये है कि जब भी अगर ये इमिट और ऑब्जर्व तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल्स में जंप करेगा तब ही ये इलेक्ट्रॉन इमिट और ऑब्जर्व करेगा एनर्जी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है कि के शेल इज लोवेस्ट देन ऑल द शेल्स, तो सो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब के मतलब के शेल से ए शेल में जाएगा तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, मतलब लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाएगा तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, अगर हाईएस्ट में से लोवेस्ट में आएगा तो ये इमिट आउट करेगा स्टेबल। सो हम एग्जांपल समझते हम ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एज यू नो अबाउट द व्हाट इज सोलर सिस्टम इज दिस सोलर सिस्टम इज जो सेंटर में है वो हमारा है सन, और जो प्लैनेट्स हैं ये ऑर्बिट्स में है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, और ये सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दैट मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके गिर्द जो घूमते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। शुक्रिया। To subscribe our channel, like, share and comment, please.